90,000 देके कोई इस व्यक्ति को चाहे अपने घर ले जा सकता है। बिल्कुल, ये स्विफ्ट है सर 2012 का ZXi टॉप मॉडल, ये है सर 2012 का मॉडल है ये, और इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 6,50,000 रुपए। इसमें 2 से 2.5 लाख के आसपास डाउन पेमेंट अपन फाइनेंस करा देंगे इसको। तब कोई 2.5 लाख देके स्कॉर्पियो अपने घर ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर में आना है, यहाँ रेनॉल्ट शोरूम किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, उसके जस्ट सामने में कार एवेन्यू है हमारा। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूज्ड कार, बहुत सारी यूज्ड कार, नई जैसी यूज्ड कार। अगर आप अपने लिए कार खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि नई कार खरीदने से पहले नई जैसी यूज्ड कार एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करें। और मैं आज हूँ कोरबा में, कोरबा के कार एवेन्यू में मैं अभी खड़ा हूँ, और कोरबा वैसे भी बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर यूज्ड कार्स मार्केट के लिए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर के लोग जो है कार्स के काफ़ी शौकीन हैं, कुछ दिन चलाते हैं उसके बाद फिर बेच देते हैं, नई कार ले लेते हैं, और यहाँ पर NTPC वगैरह में जो कर्मचारी हैं बहुत कम कार चलाने के बाद में बेच देते हैं। यहाँ पर नई जैसी यूज्ड कार खड़ी है, सो मैं इन कार्स के बारे में अधिक बताने के लिए इस कार एवेन्यू के ऑनर ओम गुप्ता जी को इन्वाइट करना चाहूँगा। आइए ओम गुप्ता जी, और वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपके यहाँ पर आके। ये अपन कब से ये काम कर रहे हैं, ये यूज्ड कार डीलरशिप का? ये काम लगभग अपने को हो गया 10 साल के आसपास, क्योंकि काफ़ी नाम सुना मैं स्पेशल रायपुर से आज आया हूँ, और रायपुर से जब मैं कोरबा आया कि कोरबा में मेरे को यूज्ड कार मार्केट एक्सप्लोर करना है, तो जिससे भी मैं पूछा सबसे पहले उन्होंने आपका नाम लिया, आपके कार एवेन्यू का नाम लिया, तो नाम तो आपने काफ़ी कमाया है। सो ओम जी, चालू करते हैं यहाँ से, स्कॉर्पियो से चालू करते हैं। स्कॉर्पियो काफ़ी लोगों का एक ड्रीम कार होता है, जो स्टैंड होता है, जो एक SUV का जो स्टैंड होता है, जो रोला वाली बात होती है, वो स्कॉर्पियो में मिलता है। सो इस कार के बारे में बताइए, कब की है, कितनी चली? ये है भैया 2020 का मॉडल है, और ये मात्र 21,000 चली हुई गाड़ी है। इसका अपन प्राइस रखे हैं 13,75,000 रुपये। ओके, और गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, पूरा ओरिजिनल पेंट गाड़ी है, अलॉयल वगैरह सब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गाड़ी का सीट कवर वगैरह देख लीजिए, सब नया लगा हुआ है, चाबी बाकी चारों अलावे लगे हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं है गाड़ी में। टायर्स भी बिल्कुल, टायर्स की भी लाइफ काफी बची हुई लग रहा है। मात्र 21,000 चली हुई गाड़ी है, कहीं कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में। ओके जी, मतलब आप यहाँ से गाड़ी लो और सीधे चलाओ, किसी तरह का कोई खर्चा करने कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, ये 13,50,000 रुपए, 13,75,000 की गाड़ी है, 13,75,000। अच्छा, इसमें कुछ नेगोशिएशन का संभावना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैठक में होगा, थोड़ा मोड़ा और अपन कम करेंगे। चलो, अगर आप में से कोई आते हैं तो जरूर नाम लीजिएगा कि चिंतामणि भैया भेजे हैं, तो शायद आपको बिल्कुल डिस्काउंट कर देंगे, डिस्काउंट मिलेगा। और ये जैसे ये यूज कार है, ये फाइनेंस भी हो सकती है? हाँ हाँ, इसमें अपन लगभग 80% के आसपास फाइनेंस करा देंगे। 80% मतलब अगर कोई डाउन पेमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा फिर? इसमें 2 से 2.5 लाख के आसपास डाउन पेमेंट अपन फाइनेंस करा देंगे इसको। मतलब कोई 2.5 लाख देके स्कॉर्पियो अपने घर ले जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। थोड़ी देर में हम आपको स्कॉर्पियो का इंटीरियर भी दिखाते हैं, तब तक इसके बाजू में इस तरफ XUV भी खड़ी है, इसके बारे में बताइए। ये है XUV 500 W8 टॉप मॉडल है, ये 2013 का मॉडल है, 79,000 चली हुई गाड़ी है, और सभी टायर नए हैं इसके, मतलब इसमें भी कहीं कोई खर्चा नहीं है, 2023 तक इसका इंश्योरेंस वैलिड है अभी। अच्छा जी, इसका प्राइस अपन रखे हैं 6,75,000 रुपये। ओके जी, ठीक है। ये तो हो गया, ये XUV हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, हमारे पास में छोटी कार्स भी हैं क्या? जी जी, छोटी कार्स भी देखते हैं जी। छोटी कार्स में सर ये बलेनो है, ये 2021 का मॉडल है, जीटा। अच्छा। जी ये चली है 40,000 के आसपास, पूरा ओरिजिनल पेंट है, कहीं कोई खर्चा नहीं इसमें भी। इसका डिमांड रखे अपन 6,50,000 रुपये। अच्छा जी, ये नई कितने की आती होगी अभी? नई अभी तो लगभग 9 लाख के आसपास है। ओके जी, साल भर की चली हुई गाड़ी है, पूरा ओरिजिनल पेंट है, इसमें भी कहीं कोई डेंट वगैरह नहीं है, मतलब वो कस्टमर लेगा अपना पेट्रोल डालेगा और चलाएगा, कहीं कोई खर्चा नहीं इसमें भी। ओम जी, ये जो यूज्ड कार होती है, इनका जो फाइनेंस का जो सीन होता है, हाँ, वो कितनी साल पुरानी गाड़ियों में हम लोग फाइनेंस करा सकते हैं, ऐसा कुछ रूल होता है? 2012 की बात की गाड़ियां आराम से फाइनेंस हो जाती हैं। 2012 की बात की गाड़ियां। अच्छा, कितने परसेंट तक फाइनेंस हो जाती है? सभी 80% 75% वो सिविल स्कोर के ऊपर में है। अच्छा, ये 80% जो है, जो आप प्राइस कोट कर रहे हो उसका 80% जी, और ये डिपेंड करता है जी कि जो व्यक्ति खरीद रहा है, हाँ, उसका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। ओके जी, ठीक ठीक।
नेक्स्ट कौन सी गाड़ी देखे हैं अपन? सर ये सिलेरियो है, 2019 का मॉडल है, सिलेरियो एक्स। ओके, जेड एक्स आई टॉप मॉडल है ये। हाँ हाँ, ये चली है 32,000 के आसपास। ओके, एक बार इसका इंटीरियर भी काफ़ी क्लीन लग रहा है। मैं अमन जी हमारे कैमरे के पीछे जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इंटीरियर भी दिखा दें, काफ़ी क्लीन लग रहा है इंटीरियर, सीट कवर वगैरह भी लगे हुए हैं, काफ़ी फ्रेश लग रहा है, डैशबोर्ड भी बहुत ही क्लीन लग रहा है। इसका क्या प्राइस रखे हैं ओम भाई? सर ये है अपना 4,75,000 की गाड़ी है, टॉप मॉडल है जी। ये कितनी चली हुई है बताइए? ये 32,000 के आसपास चली हुई गाड़ी है। ओके, क्या है ओम जी, मैं भी अपने लिए एक यूज कार देख रहा हूँ। मैं और मेरा बेटा और मेरी वाइफ, तीन लोग हैं हम लोग। हाँ। जब मेरा बेटा छोटा था तो हम लोग हमारी स्कूटर में तीन लोग ट्रिपल सवारी घूम लेते थे, लेकिन आजकल मेरा बेटा मेरे जितना बड़ा हो गया है तो अब एक कार की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन नया कार अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्योंकि डेप्रिसिएटिंग एसेट है, नया कार लेते हैं शोरूम से निकालते ही उसका 20-30% प्राइस तो डाउन हो जाता है, तो यूज कार लेना हमेशा ही एक फायदे का सौदा रहता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने लिए एक यूज कार लूँ, और इसीलिए यूज कार मैं अपने लिए लेना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मार्केट जब मैं एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ तो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट कार की बात करते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ब्लू वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है। मेरे पास में एक कार थी अल्टो जी, एलेक्स आई 2009 की मॉडल, वो सेम इसी कलर की थी, काफ़ी सुंदर लग रही है। ये कितनी चली है? सर ये है हुंडई का नियोज, 2020 का मॉडल है ये, और ये चली है 50,000 के आसपास। ओके, इसका अपन रेट रखें 5.5 लाख रुपए। 2000 स्पोर्ट्स मॉडल है ये, 2020 का मॉडल है ये। ओके, काफ़ी नया लॉट है आपके पास में, जैसे 2019 जी। वो एक्सयूवी 2013 की है बताए? एक्सयूवी 2013 की है, वो भी 79 ही चली है। ओके जी, मतलब 2019, 2020, 2021 की भी गाड़ी है आपके पास में? हाँ, 21 का बलेनो है। ओके, ये कितना बताया इसका प्राइस? ये है आपका, ये 5,50,000 की गाड़ी है, 2020 का मॉडल है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे आते हो भैया से डायरेक्टली मिलके अगर बातचीत करोगे, चाय पे चर्चा करोगे, तो रेट में थोड़ा बहुत गुंजाइश कर सकते हैं। अब ये देखते हैं स्विफ्ट, काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है मारुति की, जो स्विफ्ट है बिकने में बहुत अच्छे नंबर्स पे बिकती है, लोग बहुत पसंद करते हैं स्विफ्ट को। ये कौन सी मॉडल है, क्या प्राइस है? भैया ये है 2018 का मॉडल है ये, VXI, ये चली है 40,000 के आसपास, और ये भी पूरा ओरिजिनल पेंट है, कहीं डेंट पेंट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, कहीं एक्सीडेंटल नहीं, कुछ नहीं। okay. बीमा वगैरह पूरा सब कम्प्लीट है इसका। इसका अपन रेट रखे हैं 5.5 लाख रुपए। ओके, जैसा कि आपने अभी बताया कि एक्सीडेंटल वगैरह नहीं, नहीं है, वैसा गाड़ी पर नहीं रखते हम लोग। अगर यूज्ड कार लेना चाहता है कोई व्यक्ति, और अगर वो चाहे कि कार के बारे में पता करे कि वो कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है, वो कैसे पता चल सकता है? क्या सर्विस रिकॉर्ड देखना होगा जी, इंश्योरेंस का रिकॉर्ड देखना हो, आप लोग कैसे पता करते हो? ओ सर, हम लोग क्या, हमारा जो मैकेनिक है वो पूरा चेक करता है गाड़ी को पहले अच्छे से, उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि काफी दिनों से अपन काम कर रहे हैं, तो अपने को आइडिया है, एक्सीडेंटल गाड़ी हम लोग पहचान जाते हैं पहले से। आप लोग तो एक प्रोफेशनल हो क्योंकि 10 साल से आप काम कर रहे हो। कोई नया व्यक्ति है अगर वो लेना चाहे और उसको इस बात की श्योरिटी चाहिए कि गाड़ी अच्छी है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, तो आप इन जैसे प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हम लोग यूज कार मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे अगर हम लोग अपने लिए कार बाई करेंगे तो उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपको सही गाड़ी ना मिले। तो आप कभी भी यूज कार लेते हैं तो वहाँ से लीजिएगा जो आपके भरोसे का व्यक्ति हो, या तो आप उसके ऑनर को जानते हो या फिर डीलरशिप के ऑनर को जानते हो, और मार्केट में डीलरशिप का एक अच्छा नाम होना चाहिए, तो आप वहीं पे जाएं जिस जगह पे आपको भरोसा रहे इस बात की कि आपको सही गाड़ी मिलेगी। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी देखें? इस तरफ बुलेरो खड़ी है काफ़ी, ये गांव वगैरह में काफ़ी चलती है, बढ़िया जी। ये नाइन सीटर है सर, ये 9 सीटर जी, स्कॉर्पियो का बड़ा भाई है कह सकते हैं। 9 सीटर बुलेरो प्लस है ये, M2D इंजन है, और 2018 का मॉडल है ये। कितना चला है ये? ये चला है 52,000 के आसपास, 50, सभी टायर नए हैं इसके, ये भी पूरा ओरिजिनल पेंट गाड़ी है। हाँ। इसमें भी कोई खर्चा नहीं है। हाँ, 44,000 के आसपास चली है, 44,000 के आसपास चली है गाड़ी, सीट कवर वगैरह सब नया लगा हुआ है इसमें। एक बार हम लोग अंदर झांक के देखते हैं, अंदर इंटीरियर भी इसका काफी क्लीन लग रहा है, एकदम क्लीन गाड़ी है। एक बार हमारे कैमरामैन अमन जी आप इंटीरियर दिखा दीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। एक बार इसका माइलोमीटर ऑन कर दीजिए, डैशबोर्ड ऑन कर दीजिए, देखते हैं कि ये कितनी चली हुई है। सो
44,300 के आसपास चली है। जैसा कि आप देख सकते हो 44,300 किलोमीटर मात्र ये चली है और बहुत ही क्लीन कंडीशन में है। इंटीरियर आप देख सकते हो, सीट कवर वगैरह देख सकते हो, काफ़ी क्लीन कार है, नई जैसी कार है, वेल मेंटेन्ड कार है। नेक्स्ट ये एक बुलेरो तो यहाँ पे खड़ी ही है। अच्छा, बुलेरो का बूट भी खोले हैं तो उधर पीछे भी दिखा दिया जाए कि पीछे क्या कंडीशन है। पूरा गाड़ी आप अच्छे से देख लो कि किस तरह से कितना क्लीन कंडीशन में आपको यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं। जब आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो पूरी तरह से चेक करते होगे कि कोई दिक्कत है या फिर कोई मैकेनिकल इशू तो नहीं है? पूरा चेक करके उसके बाद फिर अपन यहाँ सेल करने के लिए लगाते हैं गाड़ी। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग एक और यहाँ पे बुलेरो खड़ी है, इसके विषय में भी बता दीजिए। ये एक ही गाड़ी है, एकमात्र गाड़ी है जिसका येलो नंबर प्लेट मैं देख रहा हूँ। ये कमर्शियल है, ये कमर्शियल व्हीकल है। वैसे भैया कमर्शियल व्हीकल्स में कम ही डील करते हैं, बट ये अपन प्राइवेट करा के देंगे। प्राइवेट करा के देंगे। अच्छा जी, ये 2015 का टॉप मॉडल है, ZLX बुलेरो। ओके, इसका भी इंटीरियर वगैरह कितनी बढ़िया है। चाबी लिया इसका, इसका सीट काफ़ी अच्छा है। इसका सीट कवर का जो डिज़ाइन जिस तरीके से है, बढ़िया ब्राउन कलर में, ये अच्छा लग रहा है। 1,27,000 के आसपास चली है गाड़ी ये। हाँ जी, और ये टॉप मॉडल है इसका। ये 5.5 लाख की गाड़ी है। क्या बात है, 5.5 लाख में आपको ये नीट एंड क्लीन बुलेरो मिल रही है, और इसमें भी आपको प्राइवेट करा के देंगे, प्राइवेट नंबर मिलेगा। इस तरफ हम लोग आते हैं, ये स्विफ्ट डिज़ायर है। ये 2013 का मॉडल है, ये मात्र 44,000 चली हुई गाड़ी है। ये CACB एम्प्लॉय की गाड़ी है ये। अच्छा जी, ये क्या प्राइस रखे हैं इसका? इसका रेट 3,90,000। ओके जी, ये भी फाइनेंस हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर किसी को चाहिए होगा तो कितना डाउन पेमेंट देके इसमें अपन 3 लाख तक फाइनेंस करा देंगे। 3 लाख, और इसका प्राइस है 3,90,000। 90,000 देके कोई इस व्यक्ति को चाहे अपने घर ले जा सकते? बिल्कुल। क्या बात है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं ही ले जाऊं, इनमें से एक गाड़ी मैं ही ले जाऊं, ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं। ये कार काफ़ी फेमस कार है, काफ़ी चल रही है मार्केट में अभी। टाटा नेक्सॉन, इसका EV वर्जन भी आता है। टाटा की सबसे सक्सेसफुल कार्स में से ये एक है, इसके विषय में बताइए। ये सर 2017 दिसंबर की गाड़ी है, और इसका अपन रेट रखें 6,75,000। अच्छा, इसमें भी कोई खर्चा वगैरह नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट है, पूरा पेपर इसमें। बढ़िया, इसका भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड प्लेयर वगैरह सब लगा हुआ है इसमें। हाँ, एंड्रॉयड प्लेयर है, और काफ़ी बढ़िया लग्जूरियस लग, और डीजल गाड़ी है ये, ऊपर से डीजल है, मतलब आपको एवरेज भी 20-22 का एवरेज मिलेगा इसमें। डीजल में 20-22 का एवरेज बहुत होता है, तो जेब पे ये भारी नहीं पड़ेगी, एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है एक। और नेक्स्ट ये स्विफ्ट है सर, 2012 का ZXi टॉप मॉडल। ये कितने का है? ये है 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख जी। ये वैगनआर, ये वैगनआर 2018 का है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, इसमें भी एंड्रॉयड प्लेयर, बेस ट्यूब वगैरह सब लगा हुआ है। अरे भाई, इसका इंटीरियर भी काफ़ी क्लीन है जी। आप अंदर कैमरा घुमाइए एक बार अमन जी, और देखिए काफ़ी क्लीन इंटीरियर है, सीट कवर वगैरह भी बहुत ही फ्रेश लग रहा है, और एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब कुछ इसमें लगा हुआ है। जो जिसकी भी कार है उसने काफ़ी शौक से इसको सजा के रखा हुआ था। और अब कारों का जो राजा मानी जाती है, मेरे को ऐसा लगता है, वो है इनोवा। लॉन्ग ट्रिप वगैरह करना है, कम्फर्टेबल होकर आपको लॉन्ग ट्रिप करना है, अपने फैमिली के साथ ट्रिप करना है, और अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इनोवा, इसके विषय में बताइए ओम जी। ये है सर 2012 का मॉडल है ये, और इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 6,50,000 रुपये। अच्छा जी, इसमें भी नाम ट्रांसफर वगैरह सब अपन करा के देंगे पूरा। कितना चल चुकी है ये? 1,23,000 के आसपास चली है गाड़ी। ये जो आप प्राइस बता रहे हैं, जैसे सभी प्राइस में आप हर एक का नाम ट्रांसफर वगैरह करा के सब सब करा के, ऊपर 1 रुपये का खर्चा नहीं है, जो भी खरीद सब हमारी जवाबदारी है, नाम ट्रांसफर हो सारा कुछ आप करा के देंगे सब सब। ठीक है, और कितना प्राइस बताया इसका? इसका 6,50,000 रुपये। इसका भी इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा है, इंटीरियर देखते हैं। 6,50,000 में आप अपने घर एक इनोवा ले जा सकते हो। 6,50,000 मतलब इसमें कितना मिनिमम डाउन पेमेंट? इसमें 5 लाख के आसपास फाइनेंस हो जाएगा। इसमें आपको लगभग 5 लाख तक का फाइनेंस हो जाएगा, 5 लाख का फाइनेंस हो जाएगा, बाकी आप इसका
देख सकते हो, इंटीरियर देख सकते हो, काफ़ी क्लीन इंटीरियर है। सीट कवर वगैरह भी बिल्कुल नए लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। काफ़ी स्पेसियस और लग्जूरियस कार है इनोवा। इनोवा के बारे में क्या कहें, अब टोयोटा के बारे में तो जानते ही हो आप लोग। मेंटेनेंस, टोयोटा का मेंटेनेंस करना काफ़ी अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग इंजन होता है। मैं देखा हूँ, मेरे कई दोस्तों को, मेरे पहचान के कई लोगों को देखा हूँ मैं, एक एक लाख, डेढ़ डेढ़ लाख, दो दो लाख चली हुई है उनकी इनोवा, और बिल्कुल आज भी नई जैसी लगती है। इसके अलावा दो कार हैं जो अभी अंदर डीलरशिप में खड़ी हैं, जो मैं आया था तो सबसे पहले मेरी नज़र वहाँ पर गई थी। एक बार वो दिखाते हैं और आज का वीडियो उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। आप देख सकते हो हम लोग कार एवेन्यू में हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी मोबाइल नंबर दिख रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो तो आप उन नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ये अल्टो लॉक खोलना है सर, ये है 2019 का VXI मॉडल है, टॉप मॉडल। ओके, और ये चली है मात्र 28,000 किलोमीटर। इसका प्राइस अपन रखे हैं 3,40,000 मात्र। ओके, 3,40,000 2019 का मॉडल है ये, और ये 40,000 चली है बताया कि। ओके, एक बार इसका इंटीरियर देखते हैं हम लोग। इंटीरियर काफ़ी क्लीन इंटीरियर है, आप देख सकते हो। सीट कवर वगैरह भी बिल्कुल नए लग रहे हैं, यहाँ से प्लास्टिक तक नहीं निकला है, आप देख सकते हो। यहाँ से प्लास्टिक नहीं निकला है, इस सीट का प्लास्टिक इधर से नहीं निकला है। सो काफ़ी वेल मेंटेन्ड कार है, और आप पूरा बॉडी देखोगे चारों तरफ से, अगर आप बॉडी भी देखते हो तो कहीं भी आपको कोई डेंट या कोई स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आएगा। और इसके साथ ही अल्टो के साथ में यहाँ पे खड़ी है क्विड, रेनो की क्विड, रेनॉल्ट क्विड। ये 2000 सिल्वर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। ये कब का है? ये 2021 का मॉडल है। हाँ, और ये चली है 32,000 के आसपास, और इसका प्राइस अपन रखें 4,25,000। 2021 का मॉडल है, मतलब अभी एक साल लगभग पुरानी कार है। इसमें भी कोई खर्चा नहीं है, कहीं कोई डेंट पेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। और इस तरफ अगर आप देखोगे इंटीरियर काफ़ी ब्लैक इंटीरियर है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है। इसके सीट कवर में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कई स्पोर्ट्स कार में ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं सीट कवर में, रेड और ब्लैक का, सुंदर लग रही है। और कार आप बाहर से भी देख सकते हो, किसी तरह का डेंट वगैरह, किसी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा ओम जी आज आपके डीलरशिप आके, एक बहुत खूबसूरत कार्स हैं आपके पास, क्या पता एक कार मैं ही ले जाऊं फ्यूचर में। बिल्कुल सर। और अगर आप लोग कोरबा आना चाहते हो, कोई कार परचेस करना चाहते हो, नंबर तो मैं दे ही दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी दे दिया हूँ। ओम जी आप बताइए, कोई यहाँ आना चाहते हो तो कैसे पहुँच सकता है? यहाँ कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर में आना है, यहाँ रेनॉल्ट शोरूम, किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, उसके जस्ट सामने में कार एवेन्यू है हमारा। बहुत ही इजी एड्रेस है, मतलब सिटी के सेंटर में ही है, मेन सिटी में ही है ये हमारा डीलरशिप कार एवेन्यू। सो थैंक यू सो वेरी मच ओम जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, सारी कार्स दिखाने के लिए, बड़ा अच्छा लगा मिलकर आपसे। और थैंक यू सो वेरी मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक कार तो बहुत जल्दी आपके घर आने वाली है, और इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी वो कार आएगी आपके घर। सो इसी नोट पर आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और मैं तो आज पहली बार ये मेरा कार वाला वीडियो है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट, तो कार के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट। जय हिंद, जय भारत।